पॉप लिया है एक, और एक ये ऑरेंज। देख लग क्या हरकत है यार, ये जानबूझ के कर रहे हैं सारे ओवर एक्टिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रितिका। तो मैं हूँ रितिका, ये है सिमू और आगे भी बहुत सारे लोग हैं, वो आगे जा चुके हैं। तो आज हम आए हुए हैं मेट्रो वॉक में, यहाँ पर करेंगे हम कुछ राइड्स और कुछ जो भी फन करेंगे हम आप लोगों के एडवेंचर शेयर करेंगे। एडवेंचर होगा बहुत ज्यादा और क्या होगा, बहुत मजे आएंगे। आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखना, और कितना अच्छा ट्री है पहले यही देख लीजिए आप। थोड़ा सा हम लेट हो गए, हमें टाइम से आना चाहिए था। हम आए हैं 1 बजे, और जो भी यहाँ के प्राइस होंगे मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी, और जहाँ जहाँ हम जाएंगे आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। तो ये है मेट्रो वॉक की एंट्रेंस, जहाँ से जाना होता है वॉक करके वहाँ तक। फिर वहाँ पे होगी हमारी थोड़ी सी चेकिंग। बैड न्यूज है कि मेट्रो वॉक का जो एडवेंचर आइलैंड है ये ना, तो वो ओपन नहीं है अभी, कुछ भी हम राइड नहीं कर पाएंगे। तो सो सॉरी, हमारे लिए सबसे दुख की बात है कि हम सुबह से रेडी होने में लगे, कल से मतलब प्लानिंग कर रहे थे और अब कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो बड़ा ही दुख आ रहा है। देखते हैं अभी हम कुछ खाने वाने जाएंगे, तो वहां चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, सब कुछ बंद मिला है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं सब लोग, और यहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक कराई हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। डोमिनोज भी इधर बंद है और मैकडी भी बंद है, तो हम सोच रहे हैं यूनिटी वन में जाके एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ का क्या पता खुला हो। तो चलिए चलते हैं वहाँ। यहाँ पर डिस्कशन चल रही है कि फोटो कहाँ खिंचवाएं, खाने की कोई डिस्कशन नहीं है, सब भूखे हैं। इशिका इधर देखिए, पकड़ो। सानू बोल रहा है कि हमें किसी चीज की भी टिकट नहीं मिली, तो क्यों ना हम भी उन लोगों की तरह फ्री में वो जंपिंग जैक बोलते हैं ना उसको, मैं तो नहीं जाऊँ, क्या बोलते हैं गुड़िया इसको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रैम्पोलिन पे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी ट्रैम्पोलिन पर इस तरीके से जंप नहीं की है, तो आज की हमने सब कजन्स ने, हम सब लोगों का ही फर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहले भी मैं जब छोटी थी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन करता था कि मैं ये ट्राई करूँ, लेकिन कोई भी साथ में नहीं करता था तो मैं भी नहीं जा पाती थी। लेकिन आज हमें मौका मिला तो हमने फुल इंजॉय किया इस ट्रैम्पोलिन पे, इतनी जंप की कि आप लोगों को तो मैं थोड़ी वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन हमने तो बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस पे कूदने में, और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ट्रैम्पोलिन के साथ सबका ही। इवन स्वाति ने भी किया ये ट्राई, जबकि वो ऐसी चीज़ें ना बहुत ही कम ही ट्राई करती हैं। अरे नीचे चला रहे हैं।
मंकीज की तरह हमने बहुत ज़्यादा जंप कर लिया। अब सभी मंकी को लगी है भूख, तो कुछ खाना पीना खाएंगे और थोड़ी बहुत करेंगे शॉपिंग। यहाँ पर एक शॉप थी और मुझे इयरिंग बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ था, लेकिन मैंने तब भी नहीं ली क्योंकि मुझे रिंग लेनी नहीं थी। तो लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को तो दिखा ही देती हूँ एक बार। दीदी क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड्स अभी हम जाने वाले थे यूनिटी मॉल वहाँ के डोमिनोज में, तो हमें भी किया कि पिज्जा हट ही ओपन है, तो हम यहीं पर आ गए फिर लेके। हम कुछ भी देखते हैं कि क्या लेने वाले हैं, जो भी लेंगे आप दिखाएंगे। तो देखते हैं मेन्यू में क्या। मैक्सिकन चिकन, आप सोच रहे होंगे हमने मास्क नहीं लगाया, हमें अभी खाना खाना है इसलिए। ये है, अब हम पूरा तो बताने नहीं वाले, टाइम लग जाएगा। हेलो, अभी हमारा पिज्जा नहीं आया। मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जो वो मैंने आप लोगों को बोल दिया ना जंपिंग जैक है, वो था ट्रैम्पोलिन। इन दोस्तों ने बताया, इन भाइयों ने। मैंने कभी किया नहीं है ना, कूदी फांदी न्यूज पे, इसलिए मुझे पता नहीं था। इन भाइयों ने बताया, ये मास्क लगा रखा जिस भाई ने, तो इसने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया आप लोगों के सामने। ट्रैम्पोलिन बोलते हैं इसको। भाइयों बहनों, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? पहले तो एकदम बेकार, सब कुछ बंद मिला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बहुत दूर से आए हैं, प्लीज बताएं। बेइज्जती हो गई है, बोल रही थी गुड़िया और मैंने। हमारा कह रही हूँ, मेरा रिव्यू लो। पहले जब हम आए तो बिल्कुल मूड खराब हो गया था, फिर हमें मिल गया ट्रैम्पोलिन, फिर उससे थोड़ा मूड ठीक हो गया। अब हम खाने आ गए हैं, तो फिर वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा जो हमने ऑर्डर किया। अब वो आ नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। और ईशु आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है दी, हमने ले रहे। कुणाल तेरा क्या कहना है, यहाँ पर बंद मिला सब कुछ? अच्छा लगा, मजे करे, फ्री का झूला लेगा, बहुत मजा आया। और गुड्डू तू डिलीट कर दी, डिलीट नहीं होगा कुछ भी। देखो कैसा लगा, मास्क लगा कर बोल सकता है गुड। ये अजीब और शर्मीले भाई हैं। सांतर को कैसा लगा? ठीक था, ये सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी में काम निपट जाए, मास्क भी लगा लिया। सो हमारा ऑर्डर आ गया है यहाँ पर, और उनका भी ऑर्डर आ गया है। सब कुछ खा के बैठ गए हैं और कोल्ड ड्रिंक हमसे पी नहीं जा रही है, धीरे धीरे बस लगे हुए हैं। और मम्मी और के लिए भी कुछ पैक करवाएंगे। अब खा पी करके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट मोड पर चले गए हैं, उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है किसी का भी, क्योंकि लॉकडाउन में सबका रूटीन यही हो गया है कि खाना पीना और सोना। तो वही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि क्या करें, कितना घूमें और कितना क्या कर लें। तो इसलिए यहाँ पर भी हम थोड़ी देर बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद उठेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे। और अभी बाहर जाकर भी अगेन हम फिर से बाहर ढेर हो जाएंगे। तो ये है कुछ बाहर का व्यू, कुछ ऐसा दिखाई देता है लॉकडाउन में, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, जो कि आज नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से पूरा मेट्रो वॉक में मतलब कुछ भी चहल पहल इतनी थी नहीं, वो एंजॉय हम नहीं कर पाए जो हमेशा करते। इधर देखिए कितना प्यारा एक प्लेन खड़ा हुआ है, और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है अंदर। वहाँ तो हम नहीं गए हैं क्योंकि वो ओपन नहीं है, हम गए थे इधर, बस अभी थोड़ा सी टाइम पास कर रहे हैं फोटो क्लिक करा करके।
अब आ गए हैं हम फ्रेंड्स इधर, कुछ आइसक्रीम वगैरह कुछ खाएंगे। गुड्डू ने कुछ लिया है, गुड्डू को पीना है स्ट्रॉबेरी शेक। और हमें कह रहा है तुम्हें टेस्ट भी नहीं कराऊंगा, पर हम तो करेंगे। गाइस गुड्डू का स्ट्रॉबेरी शेक आ गया और सबको टेस्ट करा रहा है, मैं भी करूंगी। कपड़े वगैरह हमें मिल गई है 500 की पत्ती और अब हम कुछ हेयर एक्सेसरीज खरीदेंगे। चलिए, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ की कुछ एक स्टॉल, एक दो ही स्टॉल लगी हुई थी। और आप लॉकडाउन से अगर पहले आए हों, अगर आप लोगों ने देखा हो मेट्रो वॉक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। दोपहर के टाइम भी यहाँ पर, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी, मतलब ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बस इसलिए आ गए क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो ईशू और कुणाल रुकने आए हुए हैं और 27 को मेरा बर्थडे है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही बर्थडे से दो दिन पहले हम घूम करके आ जाते हैं और बर्थडे वाले दिन घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं हेयर बैंड्स देख रही थी लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, इनका स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सब कुछ जो भी स्टॉक था पुराना ही था। तो मैंने कुछ चीज़ें ली, ज़्यादा नहीं लिए, इयररिंग्स लिए, हेयर बैंड्स लिए और कुछ एक रबर बैंड्स ली जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ साथ साथ में। तो फ्रेंड्स हमने कुछ ये वाले हेयर बैंड्स लिए हैं और कुछ इसके अंदर है। अब आ गए हैं हम पेंटलून, यहाँ से कुछ इशू को लेना है एक टॉप, देखते हैं कि कौन सा लेंगे। अगेन मैंने यहाँ से एक और मैंने हेयर बैंड लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये हेयर बैंड, ब्लू कलर में मैंने लिया है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं गुड़िया की गोद में बैठ गई थी क्योंकि मैं भी मतलब स्टूल पे बैठना चाह रही थी और गुड़िया मुझसे पहले बैठी हुई थी, तो गुड़िया ने बोला कि रितु दीदी मेरी गोद में ही बैठ जाओ, तो ऐसे ही मैं मजाक में बैठ गई हूँ इधर। सीमू ने ये वाला टी शर्ट लिया है सी यू सून का, काफी प्यारा टी शर्ट था और सीमू को ये कलर चाहिए भी था। अपने टी शर्ट ले लिए हैं, ये ले कुनील देख ले, कुनील मेरी चॉइस करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर ऋतिका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।